हेलो टू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक नेचुरल होम रेमेडीज। जैसे कि हम लोगों को पता है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन में दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सब आने लगते हैं। तो इसे कैसे नेचुरल तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, आज इसी का मैं होम रेमेडीज लेके आप लोगों के पास आई हूँ। ये होम रेमेडीज जो फेस पैक मैं बनाऊँगी आज, इसे आप हफ्ते में दो बार यूज करें और दो वीक यूज करने के बाद ही इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। कोई भी नेचुरल चीज़ आपको एक ही दिन में मैजिक नहीं दिखा सकता है, इसीलिए आप इसको रेगुलर यूज करें, तभी इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। चावल का आटा हमारे स्किन के डिसकलरेशन को क्योर करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसमें मैंने 7 से 8 ड्रॉप लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस डाल दिया है और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके स्किन की दाग धब्बे ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए। अब हम लोग दूसरा वाला पैक बनाने के लिए यहाँ पे एक आलू लिया है। आलू में जो है वो विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आलू को छील के इसका ग्रेट करके इसका मैंने जूस निकाल लिया है। ये भी माइल्ड ब्लीचिंग का काम करता है और आपकी स्किन की ब्लेमिशेस को, पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दिया है। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने 1 चम्मच मुलेठी पाउडर यानी कि लिकोराइस पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून बादाम पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून हनी ऐड कर दिया है। अब इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। फिर मैंने अपने पूरे फेस को कोई भी माइल्ड फेस वॉश से क्लीन कर लिया है। इसके बाद पहला वाला जो फेस पैक मैंने बनाया था, जो राइस पाउडर से बनाया था, इसे अप्लाई करना है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करना है। यहाँ पे एक बात नोट कर ले, अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है, उसके जगह आप इसमें पोटैटो जूस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि राइस फ्लोर के साथ पोटैटो जूस भी यूज कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद 15 मिनट आप अपने फेस में लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद फिर एक बॉल में थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से हाथों को डब करके फिर अपने पूरे फेस में इसे सर्कुलर मोशन में इस तरह से बिल्कुल लाइट मसाज करें। 1 से 2 मिनट इसे इस तरह से मसाज करें। 1 से 2 मिनट इसे मसाज करने के बाद फिर प्लेन वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लें। ये आपके स्किन की डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके स्किन की पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। मैंने अपना फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं दूसरा वाला फेस पैक अपने पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। ये फेस पैक लगाने के टाइम आँखों के आसपास के हिस्सा इसे अप्लाई ना करें। कोई भी फेस पैक आप आँखों के आसपास इसे ना लगाएं। अपने पूरे फेस में इसे इस तरह से अप्लाई करें। इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, ये भी स्किन की डिसकलरेशन को क्योर करने में, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, पिंपल्स, मार्क्स, ये सब को क्योर करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों फेस पैक को आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज करें और इसका रिजल्ट आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। 15 मिनट के बाद अपने पूरे फेस को आप प्लेन पानी से धो लें और कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ।